देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। हमारे जनपद जौनपुर के ब्लॉक सुजानगंज क्षेत्र के बिलोई गांव से, जहां युवा प्रधान दानिश अंसारी को जनता ने भारी मतों से विजयी बनाया है। जनता का शुक्रिया अदा करते हुए दानिश अंसारी ने जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा भी किया है। आपको बताते चलें कि दानिश अंसारी क्षेत्र में अपने कार्यों की वजह से काफी लोकप्रिय हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर हमारे संवाददाता किरण मिश्रा से उन्होंने क्या कुछ कहा, बातचीत के प्रमुख अंश। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क। हमारे न्यूज फर्स्ट नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पहुंचे हैं चल करके जनपद जौनपुर ब्लॉक सुजानगंज क्षेत्र बिलोई। हमारे नए युवा प्रधान जी हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं दानिश अंसारी। आइए हम इनसे आज खास कुछ बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचकर, इनके क्या लक्ष्य हैं कि ये प्रधान पद पे हैं। आज प्रधान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप प्रधान जी बने हैं, कब प्रधान जी बने हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ग्राम सभा बिलोई के समस्त जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ग्राम सभा बिलोई को विकास के एक उच्च स्तर पर ले जाने पर मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। रही बात चुनाव की, तो शुरुआत से ही मेरा लक्ष्य रहा है कि किसी भी माध्यम से, चाहे वो राजनीति हो चाहे कोई और माध्यम हो, किसी भी माध्यम से सेवा की जाए लोगों की, जो जिसके पात्र हैं उसको उसका अधिकार दिलाया जाए। यही सोचकर मैं राजनीति में आया और सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, सभी लोगों से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। नतीजा ये कि आज मैं ग्राम प्रधान हूँ। जैसे कि इनका सोच ये था कि हम अपने क्षेत्र का कुछ विकास करें, जो कि विकास होना चाहिए। जो प्रधान, पूर्व प्रधान थे, वो विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से विकास नहीं कर रहे थे। तो ये दो दानिश अंसारी हैं हमारे साथ उपस्थित है प्रधान जी, तो उनका कहना है कि मैं यही सोचता था कि मैं किसी भी तरह मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं कि अच्छा यहाँ की उन्नति हो, अच्छा विकास हो, जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिले, सरकारी धन जो है वो लोगों तक, लाभार्थियों तक पहुँचे। तो यही सोचकर इन्होंने आज प्रधान पद को, चुनाव को लड़ा है। आज कितने वोटों से आपने जीत को हासिल किया है? जी, 122 मतों से मैं चुनाव जीता हूँ जी। और आपने कहा कि ग्राम प्रधान जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने विकास नहीं किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने विकास किया है। जो भी कार्य बचे हुए हैं, जो भी पेंडिंग है और जो और होने हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमने पहले भी इस गांव में रिसर्च किए हैं, जिस तरह से जो लाभार्थी हैं वो छूट गए हैं, जिनके पास घर है उनको मिला है सरकारी धन, उनको मिला है, जो लाभार्थी हैं उन तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। जो लाभार्थी आवास हो या शौचालय हो अभी तक उन पे नहीं पहुंच पाया है, वो प्रधान के पास दौड़ते रहे हैं। प्रधान जी कहें बस लगाए हैं, आ जाएगा, लगाएंगे। और 5 साल पूरे बीत गए, अभी तक उनको आवास या शौचालय नहीं मिल पाया है इसी क्षेत्र में। जी जी, कुछ पात्र लोग जो है वो सरकारी लाभ से वंचित हो गए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन तक वो लाभ पहुंचे। देखिए, अगला कदम तो मेरा सबसे पहले ये है कि देखना है कि ग्राम सभा में कौन से काम अभी बचे हुए हैं, पूर्व प्रधान जी ने क्या किया है और कौन से काम अभी आधे अधूरे पर हैं, सबसे पहले तो उसको पूरा कराना है। उसके बाद जैसे कि राशन कार्ड की समस्या है, शौचालय की समस्या है और ये इतना कानूनी जो है बात लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। ये मेरे ही ग्राम सभा की बात नहीं है, लगभग समस्त ग्राम सभा में यही समस्याएं हैं कि पात्र लोगों तक सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि उनको ये लाभ मिले। जनता यही सोच करके जिताया है इनके गांव का, हमारे गांव का बेटा रहेगा प्रधान जी, तो शायद हम लोगों को सरकारी धन प्राप्त हो पाएगा। जो भी आवास आता है या शौचालय आता है, जो भी सरकारी धन आता है वो लाभार्थियों तक पहुंच पाएगा, यही सोचकर आज अपने बेटों को इन्होंने जिताया है। तो इनके साथ है मौजूद यहाँ पे, आइए चाचा जी बताए आपकी क्या लगते हैं नतीजे हैं। जो युवा प्रधान जी बने हैं तो आप इनसे संतुष्ट हैं? तो हम संतुष्ट हैं। अच्छा, और बहुत हम खुश हैं। अच्छा, खुश तो आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे जितने भी कार्य होंगे अच्छी तरह से निभाएंगे और हम इससे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं
हमारे भतीजे भी हैं, बेटे भी हैं, हम बहुत अच्छी तरह से प्यार भी इनको करते हैं। बड़े ही उम्मीद के साथ दानिश भाई को प्रधान जी बनाया इस गांव का, जैसे कि चाचा जी अभी बताए हैं कि बड़ी ही उम्मीद है और दानिश भाई अपने उम्मीद को उनके उम्मीद पे खरा उतरेंगे, जो भी कार्य है उनको पूरा करने के लिए। इसी के साथ मैं किरण मिश्रा, जनपद जौनपुर, क्षेत्र बिलोई।